पीटीआई की अड्याला जेल में सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्त पर दोबारा समाअत हुई है, समाअत से मुतल्लिक बताइएगा। जी बिल्कुल बानी, चेयरमैन पीटीआई की जो है वो अडियाला जेल में सिक्योरिटी के लिए दरखास्त पर जो दोबारा समाअत हुई है, अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को तैयारी के लिए 3 अप्रैल तक की मोहलत दे दी। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालती मामलों के लिए अदालत में पेश हुए थे। एडवोकेट जनरल साहब, इनका कहना था कि मरकजी इंतजामी अफसर लाहौर में है। अदालत ने ये कहा है कि कहते हैं कि प्रिंसिपल सीट पर यह दरख्वास्त सुनी जा सकती है। अडियाला जेल रावलपिंडी है, वहां मुतलका अथॉरिटीज हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से इस्तफसार किया, अदालत ने रिमार्क दिए, आप अगर तैयारी के लिए वक्त चाहते हैं तो हम वक्त दे देते हैं, यहाँ या रावलपिंडी में केस सुना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के ये रिमार्क से मजीद जो है अफजाल अजीम पाहक जो है एडवोकेट पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उनकी जानब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। जेल हकाम ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस बानी पीटीआई की मुलाकातों पर पाबंदी लगा रखी है। दरख्वास्त में ये मौका अख्तियार किया गया और मजीद कहा कि बानी पीटीआई की जिंदगी को जेल में खतरा है, बानी पीटीआई की जिंदगी को मुकम्मल तहफ्फुज़ फराहम करने का हुक्म दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया, 3 अप्रैल तक मोहलत दे दी गई है, इस हवाले से असद शाह बता रहे थे।